ग्वालियर में कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की मोहन सरकार पर अवैध खनन का आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया है। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि अवैध खनन को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। मध्य प्रदेश में अवैध रेत खनन जोरों पर जारी है। सत्तारूढ़ दल के नेताओं के संरक्षण में यह उत्खनन पूरे प्रदेश में चल रहा है। इससे न सिर्फ सरकार को करोड़ों के राजस्व का नुकसान झेलना पड़ रहा है, बल्कि नवनिर्मित सड़कें भी टूट रही हैं। ये आरोप ग्वालियर में कांग्रेस विधायकों ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगाया। इन विधायकों में कांग्रेस के सतीश सिकरवार, साहब सिंह गुर्जर और सुरेश राजे शामिल थे। इन विधायकों ने बताया कि ठेकेदार शिवा कॉरपोरेशन के लोग खनन के लिए चयनित खदानों के अलावा अन्य खदानों से भी जमकर रेत निकाल रहे हैं। कांग्रेस विधायकों ने प्रदेश की मोहन यादव सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि इस अवैध खनन को सरकारी संरक्षण प्राप्त है, इसी के चलते खनन माफिया बेखौफ होकर उत्खनन में लगे हुए हैं। डबरा के कांग्रेस विधायक सुरेश राजे ने कहा कि 10 दिन पहले कलेक्टर रुचिका चौहान को सभी विधायकों ने ज्ञापन दिया था और अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन फिर भी प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा। उनको सब पता है कि कैसे सांठगांठ की जाती है और कैसे अवैध उत्खनन किया जाता है। इस पर अभी तक किसी की निगाह नहीं थी। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये मुद्दा उच्च स्तर तक उठना चाहिए, सबकी जानकारी में आना चाहिए, ताकि प्रशासन और शासन के लोगों को मालूम होना चाहिए कि राजस्व का नुकसान हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। ओवरलोड गाड़ियाँ आ रही हैं, उनसे रोड का जो नुकसान हो रहा है, गाँव से मेन रोड से जब निकल के आते हैं तो रोडों की स्थिति बहुत खराब हो रही है, आए दिन तक एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन सब चीजों पर विराम लगना चाहिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।